चलो आपको दिखाता हूँ अपने डॉग्स को ना, सारे पपीज को मैं कैसे फीडिंग कराता हूँ। ये देखिए, एक एक करके फीडिंग कराता हूँ, सबको इकट्ठा नहीं कराता हूँ। देखिए सारे नीचे हैं, एक एक करके कराता हूँ आराम से, ताकि ये गंदे भी ना हो। अब इसने तो पी लिया है पूरा, अब आ गया दूसरे का नंबर। ये देखते हैं, मैं 50 तक गिनूंगा, मैं 50 तक जितना पी सकता है कोई पी लेगा, नहीं तो खलास नीचे रख दूंगा वापस। इसी तरीके से खिलाता हूँ मैं सबको थोड़ी थोड़ा करके, ताकि कोई पपी गंदा भी ना हो, साफ भी रहे। कैसे कितने आराम से पी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी आप नया पपी लेके आते हैं तो सेरेलैक जरूर पिलाएं अपने पपी को एक हफ्ते तक, उसके बाद आप अपना फूड चालू कर सकते हैं, और उसके बाद फूड और सेरेलैक दोनों दे सकते हैं। दिन में जैसे आप अगर आप 5 बार फीड कराते हो तो 3 बार फीड या सेरेलैक दे दीजिए, कोई भी चीज़ जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप दे सकते हो बीच बीच में। तो ऐसे दिया करें अपने पपीज को हरदम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. लास्ट, ज़्यादा कभी भी भर पेट ना चलाएं अपने पपी को। अगर ज़्यादा भर के खिला दोगे तो पड़ा रहेगा सुस्त, खाना खाने के बाद उसको खेलना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि थोड़ा बहुत खेल के आराम से बैठ सके। इसी तरीके से मैं तो सबको ऐसे ही फीडिंग कराता हूँ, मैं कभी अपने डॉग को भर पेट खाना नहीं खिलाता हूँ, हरदम ध्यान रखिए मेरे डॉग एकदम, ताकि एकदम एक्टिव हेल्थी रहें, कोई इशूज ना आए ना हेल्थ के रिगार्डिंग, ना उनको कोई किसी चीज़ से उबे। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो उग जाएंगे उस चीज़ से, इसलिए उतना ही खिलाता हूँ जितना इनका पेट स्टमक अलाउ करे, ज़रूरी है उतना ही खिलाता हूँ। ऐसा नहीं है कोई पपी पतला है, मतलब जितना उनका चेस्ट रहेगा उससे थोड़ा बाहर निकल सकता है पेट, ज़्यादा नहीं कि मतलब उसके लड्डू जैसा आप बना दोगे। तो देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं, खा खा के कितना, ये देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि लूज है या कोई प्रॉब्लम है। हरदम ज़्यादा खाना खिलाओगे तो आपका एक तो डॉग खाना बंद कर देगा, आपका खाना छोड़ देगा, वो उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा आगे कभी खाने में। ये देख रहे हैं भालू सा कैसा हो रहा है, हे लड्डू सिंह, देख रहे हैं कितनी स्पीड से खाएगा अभी। अभी नीचे सब एक दूसरे का मुंह चाट रहे हैं, जिन्होंने बेचारा नहीं खाया वो दूसरे का मुंह चाट रहे हैं। तो मैं ऐसे ही सबको थोड़ा थोड़ा करके सभी को फीड देता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो आपने देखा सो होगा मेरी कटोरी कितनी भर रही थी, ये तो मेरे सारे पपीज को इतना ही काफ़ी है। देखते हैं, अब आ जा पहलवान आ जा, ये देखो मेरा भालू है, पूरा भालू सा हो रहा है पूरा, खा खा के तो खा खा के गया। ज़्यादा तो मैं देता नहीं हूँ खाना, मतलब अच्छा कम क्वांटिटीज में देता हूँ थोड़ा, पर तरीके से देता हूँ, तो इसलिए सब ये डॉग मेरे एकदम एक्टिव और हेल्थी रहते हैं, कभी मेरे डॉग्स को इश्यूज नहीं आते हैं। मैं ज़्यादा लल्ला लल्ला लोरी नहीं करता हूँ डॉग से, बस जो उनका रिक्वायरमेंट है वो मैं उनके लिए पूरा करता हूँ, जो उनको चाहिए एक्टिव और हेल्थी रहने के लिए, ताकि वो उनकी लाइफ भी एक ईजी रहे, कोई डिफ़िकल्ट ना हो। अच्छा खासा वेट हो गया इनमें भी, मेरे ख्याल से 1 kg से भी अबव ही है वेट, ज़्यादा ही है। तो देख रहे कैसे आराम से फिनिश कर दिया है सारा,
अभी इसके बाद एक पपी और बचा है खाली लास्ट में, तो अपने डॉग्स को इसी तरीके से फीड खिलाया करें, कोशिश करें थोड़ा कम क्वांटिटी में खिलाइए ताकि आपका डॉग एकदम हेल्थी रहे, कोई इशूज ना आए उसको हेल्थ के रिगार्डिंग। देख रहे हैं अब ये पूरा साफ कर लीजिए, और लास्ट में जो कटोरी जो थोड़ा बहुत बचेगा सबको नीचे रख दूंगा, फिर सारे के सारे पपीज इसी कटोरी में चिपट जाएंगे, काफ़ी देर तक किसी के साथ खेलते रहेंगे आराम से। तो ये देख सकते मैं कितना बड़ा होने के बाद ही मैं उसको कितना क्वांटिटी में खाना खिला रहा हूँ, देख रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं आपको नहीं डॉग्स को ज़्यादा देना है, भर के हरदम ध्यान रखिए, डॉग का रिक्वायरमेंट इतना ही पूरा करना है जितना उसको ज़रूरी है, ज़बरदस्ती आप उसका पेट फुला दोगे खिला खिला के वो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा कोशिश करें कम क्वांटिटीज में खिलाना, डॉग का काम है अगर आप डॉग को ज़्यादा दोगे वो डॉग तो ज़्यादा भी खा लेगा, बट वो आप ही को देखना है कि आप अपने डॉग को किस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर अपने डॉग को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव और हेल्थी रखना है तो खाना हरदम डाइट हरदम थोड़ा कम दिया कीजिए। देख रहे अभी पूरा फ्रेश हो गया है, और आपने देख भी लिया होगा लास्ट में कितनी डाइट बची थी, उतना ही मैंने इसको दिया अभी। अब देखें खाली कटोरी अब रख दूंगा यहाँ पे, अब सब इसमें चिपके रहेंगे काफ़ी देर तक, तो देख ही लिया होगा आपने मैं कैसे फीड कराता हूँ अपने पपीज़ को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।